मुंबई में बीते सोमवार को तेज आंधी आई थी, जिसमें घाट कोपर में मौजूद एक होर्डिंग गिर गया था। इस दौरान कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए और इस हादसे में 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस हादसे की चपेट में बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के परिवार वाले भी आ गए। जानकारी है कि कार्तिक के अंकल आंटी ने भी इस घटना में अपनी जान गंवाई है। इसके बाद से एक्टर और उनका परिवार सदमे में है। कार्तिक आर्यन जल्द ही फिल्म चंदू चैंपियन में भी नजर आने वाले हैं। एक्टर इन दिनों इसके प्रमोशन में भी लगे हुए हैं। ऐसे में इस होर्डिंग वाले हादसे से वो पूरी तरीके से हिल गए हैं। एक्टर के मामा की पहचान रिटायर्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारी मनोज चंसोरिया और उनकी पत्नी अनीता चंसोरिया के रूप में हुई है। पुलिस की माने तो ये होर्डिंग 120 बाय 120 फुट का था, इसी कारण इसका नाम लिम्का बुक में भी दर्ज है। खबरों की माने तो 60 साल के मनोज चंसोरिया और उनकी पत्नी 59 साल की अनीता चंसोरिया कार में थे, जब घाटकोपर में एक पेट्रोल पंप पर बड़ा होर्डिंग गिरा। कपल उन लोगों में आ गए जो इस होर्डिंग के नीचे फंस गए। घटना स्थल पर पुलिस को बुधवार को मलबे में दो शव मिले। शव के साथ मिली अंगूठी और जेवर के आधार पर मृतक दंपत्ति की पहचान स्वजन ने की। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें हमारी चैनल के साथ। धन्यवाद।